स्टूडेंट स्वागत है आप सबका। आज के हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर कट ऑफ आफ्टर आंसर की के बाद क्या रहने वाला है, फुल डाटा एनालिसिस करके बताएंगे बिग डाटा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों के कमेंट्स क्या आ रहे हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। तो बच्चों के कमेंट्स आए सर मेरे 103 नंबर है, सी कैटेगरी में 133 नंबर है, 138 नंबर है, ओबीसी 108 है, सर मेरा क्या सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो कल रात को वीडियो बना सकता लेकिन एनालिसिस किया मैंने कंप्लीट, यहाँ पे बच्चों से डाटा मंगवाए मैंने और पिछले साल का देखे, इस साल देखा कितना कट ऑफ रह सकता है ग्रेड सी और ग्रेड डी में, पूरा बताऊंगा आपको वीडियो बना से कंप्लीट देखे। तो सबसे पहले मैं आरटीआई की रिप्लाई बता देता हूँ। आरटीआई में यह हुआ कि टोटल ऑफ 1,33,954 कैंडिडेट अपियर इन स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एग्जामिनेशन 2022 17 से 18 नवंबर शिफ्ट में। ठीक है, तो 1,33,954 बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम दिया है, तो कॉम्पिटिशन इनके हिसाब से रहने वाला है आपका। अब बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ के ऊपर, कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधा 2019 के ऊपर चलते हैं। 2019 के ऊपर हम देखते हैं, अगर हम ग्रेड डी की बात करते हैं पहले, सुबह ग्रेड सी की बताएंगे। ग्रेड डी में 7,792 कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्शन करवाया था एसएससी ने। ठीक है, मतलब तब ग्रेड 2019 जो वैकेंसी थी वो 500 समथिंग वैकेंसी थी, तब 7,792 यहाँ पे करवाया। अब 2020 में जब यहाँ पे ग्रेड सी ग्रेड डी का पोस्ट आया तब यहाँ पे 13,445 यहाँ पे मतलब स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलवाया गया, मतलब सिलेक्शन करवाया गया। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि मतलब 2020 में कैंडिडेट 700 वैकेंसी थी और 700 समथिंग वैकेंसी थी, यहाँ पे 13,435, इस बार वैकेंसी आपकी ढाई गुना है, मतलब क्या कहते हैं 2000 प्लस वैकेंसी आपकी है अभी अभी इस अभी तय नहीं हुआ कि जनरल में कितने हैं, लेकिन 2000 प्लस वैकेंसी है आपकी, इस बार कितने गुना को बुलाया जाएगा। तो इस बार जो है अप्रोक्स आपका मान चलिए ढाई से तीन गुना कैंडिडेट को आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसका मतलब है 35,000 के अप्रोक्स आप मान सकते हैं कि 2022 में आपको बुलाया जाएगा। अब बात करता हूं मैं यहाँ पे कट ऑफ के ऊपर, कट ऑफ क्या रहेगा। अगर आप 2019 के यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, 2019 में अगर आप यूआरई कट ऑफ देखेंगे 134 से यहाँ पे गया है, और 2020 में वैकेंसी जहाँ पे 700 वैकेंसी थी वहां पे यूआरई कट ऑफ 131 गया, मतलब 134 से 131 के बीच आपको डिफरेंस देखने को मिला, ज्यादा डिफरेंस नहीं, मतलब 3 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन डिफरेंस है इसमें क्योंकि वैकेंसी में ज्यादा अंतर नहीं था, वहां पे 500 था यहाँ पे 700 वैकेंसी है, लेकिन अब आपकी वैकेंसी ढाई गुना तीन गुना है, मतलब कट ऑफ अच्छा खासा कम होगा आपका। जी हाँ, कट ऑफ अच्छा खासा कम होगा। कई बच्चों के मार्क्स अच्छे भी आ रहे हैं क्योंकि वो ग्रेड सी की ले रहे हैं, कोई ग्रेड डी की ले रहा है, तो मैं पहले ग्रेड डी की बता रहा हूँ उसके बाद ग्रेड सी की आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए कट ऑफ क्या रहेगा यहाँ पे, मेरे हिसाब से मेरे माय अकॉर्डिंग कट ऑफ ये रहना चाहिए। तो मैं आपको बताया था यहाँ पे फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे पूरा एनालिसिस किया है और बच्चों के काफी अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रेड सी का ग्रेड डी का सॉरी ग्रेड डी का यहाँ पे यूआरई कट ऑफ 120 प्लस यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं 2020 में 131 था, तो जहां वैकेंसी 700 थी अब वैकेंसी यहाँ पे काफी बढ़ चुकी है। हाँ मानते हैं कॉम्पिटिशन बढ़ा है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपका हो जाएगा 120 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो बेफिक्र आप स्किल टेस्ट की तैयारी लग जाइए क्योंकि स्किल टेस्ट में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ओबीसी है 116, एससी 100 प्लस, ठीक है, एसटी जो 85, ईडब्ल्यूएस का अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं, ईडब्ल्यूएस का बता देता हूँ। 2000 अगर हम 20 की बात करें, 2020 में ग्रेड डी के अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 83 गया था, क्योंकि इसमें हो सकता है ईडब्ल्यूएस में जो वैकेंसी वो अच्छी संख्या में यहाँ पे देखने को मिले, तो इस बार हम ईडब्ल्यूएस को थोड़ा अनुमान नहीं लगा सकते। कई बच्चों के ईडब्ल्यूएस में अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, जिसमें बोला 122 नंबर, 118, 120 नंबर, तो हम ऐसे अनुमान नहीं लगा सकते। तो हम अगर आपके ईडब्ल्यूएस में मानी चले 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 100 प्लस अगर मार्क्स आ रहे हैं आपके ईडब्ल्यूएस में, तो आप यहाँ पे सेफ स्कोर महसूस करने वाले हैं, आगे स्किल टेस्ट की तैयारी कीजिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मैं उन बच्चों का, जी हाँ फ्रेंड्स, अब उन बच्चों की बात करें जो ग्रेड सी में है, जो ग्रेड सी की पोस्टिंग लेना चाहते हैं, तो ग्रेड सी में देख लीजिए 2019 में यूआरई कट ऑफ बोलूं तो 153 गया था, और 2020 में जब वैकेंसी इनक्रीज हुई 700 प्लस वैकेंसी हुई, वहां पे यूआरई कट ऑफ 146, मतलब आपको डिफरेंस देखने को मिल गया है। अगर हम इसको इस डिफरेंस माने कि अगर 2022 में अगर जो कट ऑफ जाएगा उसमें वैकेंसी अच्छी खासी है, तो अगर आप माने तो 130 प्लस 135 से प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए अगर आप ग्रेड सी की पोस्ट लेना चाहते हैं। जी हाँ, यू आर कैटेगरी 135 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए, तो अगर आप कितने मार्क्स आ रहे हैं तो आप स्किल टेस्ट तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल। तो जो बच्चे स्किल टेस्ट का अभी तक जाने ही नहीं, कुछ भी नहीं आता, तो प्लीज अभी तैयारी, अगर 3-4 महीने आप टेस्ट तैयारी करेंगे तो कहने का बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।